मध्य प्रदेश में किसकी होगी सरकार? क्या शिवराज का होगा एक बार फिर राज, या नाथ बनेंगे इस बार सरकार? पॉलिटिकल पंडित के माध्यम से हमारी खास पेशकश। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में विधानसभा एक में सबसे पहले हम संजय शुक्ला के पास हैं। संजय शुक्ला जी की कुंडली ये कहती है कि जबरदस्त प्रचार प्रसार अभी फिलहाल जारी है, जनता के बीच दस्तक आपकी जारी है, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, जो आम जनता है भगवान है, उस भगवान और आज भगवान है, इसके पहले परिवार थे। मैं लगातार उनसे 2 साल से 3-3 बार मिल चुका हूँ और परिवार की मिला हूँ। आज पहली बार सबसे वोट मांगने जा रहा हूँ कांग्रेस के नाम पे। कांग्रेस आदरणीय राहुल जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं उसके लिए कांग्रेस की तरफ से वोट मांगने जा रहा हूँ। और सभी का आशीर्वाद पूरा पूरा मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बच्चों हों, परिवार के हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सबका। क्यों, जो क्षेत्रीय विधायक है लगातार यहाँ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बाद, यहाँ विधायक होने के बाद, नगर निगम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी इन्हें यहाँ कोई विकास नहीं किया। जो यहाँ विधायक ने विकास तो किया है, उन्होंने अपने खुद का विकास किया, अपने पार्षदों का विकास किया, अपने क्षेत्र का विकास किया, उसके अलावा कोई विकास नहीं किया। एक जो विधायक होते हैं उनको जो अपना काम करना पड़ता है, इससे सबसे पहले बात बता होती है कि भाई स्कूल बनवाएं बच्चों के लिए, अपने गरीब परिवार के लिए अस्पताल बनवाएं, उसके अलावा स्पोर्ट बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाएं, गार्डन बनवाएं, इसके अलावा बिजली के खंभे लगवाएं, नर्मदा की लाइन लाए, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी जितनी भी, एक भी वैध नहीं हुई। वैध इसलिए नहीं हुई है कि जो विधायक मोदे उन सबसे अपने अपने प्लाट ले लिए, उनने उनको वैध नहीं होने दे रहे हैं। जब वैध होगी तो उनको टैक्स जमा करना पड़ेगा, उनको विकास शुल्क जमा करना पड़ेगा, ऐसे अनेक जो मालिक है। इसलिए यहाँ के विधायक ने कुछ काम नहीं किया, जनता उनको जवाब देगी। जनता भगवान होती है, भगवान ने 2 बार इसको इनको आशीर्वाद दिया, 2 बार चुन के भेजा। भगवान होने के बाद अब गलती, एक बार गलती करेगा तो भगवान ने 2 बार गलती करे, तीसरी बार जो जनता है वो भगवान है, वो गलती नहीं होने देगी। इनको हजारों मतों से अपने घर भेजेगी, वो इधर कांग्रेस की विजय होगी और इस क्षेत्र में जो संजय भाई आपके जनसंपर्क में हमने देखा कि सामने की तरफ आप 600 बोरिंग कराने की बात कर रहे हैं, हर वार्ड में अस्पताल लाने की बात करें, और किस किस तरह के आप जनता के लिए इस तरह के वादे लेके आए? देखिए, जनता का आशीर्वाद मिलेगा मेरे क्षेत्र के अंदर, क्यों, भगवान के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ है। मुझे लोगों की सेवा करना है, मेरे परिवार बरसों सेवा करता रहा, मैं सेवा करता आता हूँ। परंतु कभी सरकार अपने साथ काम करती है, मैंने स्वयं के प्रयास से मैं 600 बोरिंग करा रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अभी नवंबर में पानी की स्थिति, तो मैंने स्वयं के उससे मैं 3 महीने का 600 बोरिंग करा के दूंगा। उसके अलावा छोटे छोटे अस्पताल खुलवाऊंगा वार्ड वाइज, जिससे जो वहाँ की समस्या रहती है वो दूर होगी, बच्चों की, परिवार की, बुजुर्गों की, वो नॉनिमल चार्ज से होगी, क्योंकि थोड़ा चार्ज लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मतलब वहाँ पे जो उसका मेंटेनेंस चलता रहेगा, कि बिल्डिंग बन जाएगी, मशीनें लग जाएंगी, और उसको मेंटेनेंस के लिए चाहिए कि कोई भी संस्था, ऐसी स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, संस्था जिंदा रहती है, इंसान चले जाता। मैं चाहता हूँ ये विधानसभा की जनता जो भगवान है मुझे चुन के भेजे, तो मैं उनके लिए ऐसा करके जाऊँ कि लोग मुझे ज़िंदगी भर याद रखें कि भाई संजय शुक्ला ने कोई काम करके दिखाया, और मुझे उनकी सेवा करनी है, ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि विधानसभा एक आदर्श वार्ड बन के, विधानसभा बन के दिखाऊंगा। जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह की शिकायतें आपके सामने आती है? क्या विरोध जबरदस्त है बीजेपी के खिलाफ या नेता के खिलाफ? यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत विरोध है यहाँ पे। जो भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़े मोदी जी ने झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, 2000 योजनाएं हमारी विधानसभा में कोई योजना नहीं आई है, और विधायक ने कोई यहाँ पे सहयोग नहीं करा है। यहाँ तो उनने अपना विकास किया, अपने पार्षदों का विकास किया, और क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया उनने। यदि देखा जाए तो चुनाव प्रचार के काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब अंतिम दौर में चुनाव है, आप अभी तक घर घर दस्तक दे रहे हैं, बाकी यदि कैंडिडेट की बात की जाए तो वो कोई बाइक पर घूम रहा है, तो कोई कार में या कहीं जीप में घूम रहा है, आप अभी तक बरकरार हैं पैदल, आपके पास एनर्जी किस तरह की आ रही है, किस तरह से अपनी थकान मिटा रहे हैं? देखिए, मुझे एनर्जी अपने जो कार्यकर्ता है, जो मेरे युवा लोग मुझे साथ में चल रहे हैं, माता बहनों को आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपना मुझे एनर्जी मिल रही है। आज मैं लगातार चल रहा हूँ और सबका आशीर्वाद से मुझे एनर्जी मिल रही है, क्यों, लोगों का सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपना मुझे ताकत मिल रही है काम करने के लिए। ऐसी ताकत मुझे विधानसभा मिलेगी तो मैं इसी ताकत से ही काम करूंगा। मध्य प्रदेश में क्या सीन देखते हैं, क्या कांग्रेस की सरकार बने? मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से घोषणा है और उसके अलावा कुछ नहीं किया इनने। सरकार अभी कांग्रेस की बनने वाली है, क्योंकि किसान परेशान है, युवा परेशान है, और हर परिवार परेशान। टंकी के भाव देख लीजिए, डीजल के भाव देख लीजिए, पेट्रोल के भाव देख लीजिए, यहाँ से लेकर सेंटर तक इनकी गवर्नमेंट होने के बाद इन्होंने लाखों रुपए कर्जा ले लिया है प्रदेश के ऊपर, और अब अपना विज्ञापन के अलावा इन्होंने कोई प्रचार नहीं किया है। इसलिए अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा।
पॉलिटिकल पंडित में आज हमारे साथ थे संजय शुक्ला। हम संजय शुक्ला जी का धन्यवाद अदा करते हैं। पॉलिटिकल पंडित अब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में हर नेताजी की कुंडलियां छानेगा और साथ ही ये बताएगा कि किसकी बनेगी इस बार सरकार। ये खास पेशकश SR न्यूज़, INN न्यूज़, प्रजातंत्र और हॉटलाइन की है। संजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।